तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो सीडब्ल्यूसी लीग का वनडे मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा यूएई वर्सेस नामीबिया के बीच में। तो भाई इस मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप कंप्लीट देख लेना। और भाई अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हो ना तो ईजिली भाई आप काफ़ी अच्छी विनिंग यहाँ से करके जाने वाले हो। तो भाई वीडियो स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक देख लेना। और भाई लगातार आपको यहां पर 6 मैच में अल्ट्रा क्लीनशिप मैं दे चुका हूं, ठीक है। इस सीरीज के 6 मैच में मैं आपको अल्ट्रा क्लीनशिप दे चुका हूं और भाई इस मैच में भी पूरे पूरे चांसेस है कि हम ही यहां पर जैकपॉट विनिंग करने वाले हैं। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं यहां पर प्लेयर्स के स्टैट्स की, लेकिन उससे पहले भाई दोनों टीम्स के लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता वहीं से भाई हमारी लगातार जर्नी स्टार्ट होती है इस सीरीज में। और भाई यहीं से हमने काफी अच्छी विनिंग की है, क्योंकि यहां पर देखो जो थोड़ा सा आपको हिसाब किताब लगाना होता है, एक तो ग्राउंड का हिसाब किताब लगाना होता है, दूसरा भाई यहाँ पर आपको प्लेयर्स का हिसाब किताब थोड़ा सा लगा के चलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें यूएई वर्सेस नामीबिया के मैच की, तो दोनों ही टीम्स ने अपना लास्ट मैच, मतलब जो दो लास्ट मैच है उनमें भाई दोनों ही टीम ने अपना अपना लास्ट मैच खेला हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो सबसे पहले बात करेंगे भाई यूएई की टीम की, तो यूएई की टीम भाई अपना लास्ट मैच हार के आ रही है 8 रन से। सबसे पहले भाई यूएई की बात कर लेते हैं, तो यूएई की टीम आप यहाँ पर देख सकते हो, चिराग सूरी ने लास्ट मैच हमें विन करवाया, ठीक है। इसका सिलेक्शन परसेंटेज देख लो और जाके भाई टीम देख लेना मेरी, कभी आपको लगे कि भाई मतलब कुछ भी बोल देता है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर, वो तो आपको वैसे भी ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि फाइनल टीम आपको इस मैच की वहीं पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इस मैच की टाइमिंग आप यहाँ पर देख लीजिए, डेट एंड टाइमिंग आप यहाँ पर देख लीजिए, 4th मैच भाई 9 मार्च को खेला गया था, ठीक है। तो 9 मार्च का आप जाके देख लेना और भाई आपको सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी। और चिराग सूरी का सिलेक्शन परसेंटेज आप देख लेना कितना था, ठीक है, और 63 रन बनाए सब भाई यहां पर इसके साथ गए थे, कहां पे गए भाई, चंद्रबोल रिजवान के साथ, बट आपको भाई यहां पर चिराग सूरी के साथ गए, एक तरफा विनिंग आपके भाई की हो गई थी, ठीक है। मोहम्मद वसीम की बात करें तो भाई 19 रन बनाए, वृत्ति अरविंद की बात करें तो भाई 29 रन बनाए, चंद्रबोल रिजवान की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर भाई 15 रन बनाए। इसके अलावा आसिफ खान ने 6 रन बनाए, बासिल अमीर की बात करें तो भाई 25 रन बनाए, नीचे अगर चलेंगे तो भाई मुस्तफा ने यहाँ पर अब देखो सभी का कैप्टन या वीसी कुछ ना कुछ जरूर था मुस्तफा, ठीक है, बट आपके भाई ने किसी इसको कुछ भी नहीं बनाया, ना कैप्टन ना वीसी, किसको बनाया था वो भी आपको बताऊंगा भाई। यहाँ पर जे स्मिथ्स को वीसी बनाया था और डेविड वीजे को कैप्टन बनाया था, ठीक है। तो ये काम मैंने किया था, एक तरफा विनिंग उनकी वजह से भाई अपनी हो गई थी, ठीक है। 23 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा भाई काशिफ दाऊद ने 2 रन बनाए, अहमद राजा 0 रन, जाऊर खान ने 4 रन, जुनैद सिद्दीकी ने भाई यहाँ पर 5 रन बनाए। इसके अलावा भाई बात करें अगर इनकी बॉलिंग की, तो बॉलिंग भाई यहाँ पर आप देख सकते हो जो काशिफ दाऊद है इन्होंने 5 ओवर डाले, विकेट लेस गए। इसके अलावा भाई यहाँ से अगर बात करें जुनैद सिद्दीकी की, तो भाई 10 ओवर में विकेट लेस गए। इसके अलावा यहाँ पर बात करें जाऊर खान ने 4 विकेट निकाले, अहमद राजा विकेट लेस गए, मुस्तफ़ा विकेट लेस गए। इसके अलावा भाई बासिल हमीद ने 7 ओवर में 2 विकेट निकाल लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर भाई बात कर लेते हैं, देखो तो यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट प्लेयर कौन हो जाएगा, यहाँ से जाऊर खान इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें यहाँ से तो आपके लिए बासिल हमीद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और इसके अलावा भाई यहाँ से आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपको अपनी टीम में लेना है, ठीक है। यहाँ पर भाई आप मुस्तफ़ा को ले सकते हो और काशिफ दाऊद को ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो, बाकी मुस्तफ़ा आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। CVC की बात करेंगे, अभी बनाना है नहीं बनाना। वही अगर बात करें अभी जो दूसरी टीम है, तो एक बार भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर नामीबिया की, तो नामीबिया की टीम भी अपना लास्ट मैच हार के आ रही है और दोनों ही टीम अपना लास्ट मैच ओमान के अगेंस्ट में हार के आ रहा है, ठीक है। और लास्ट मैच भी भाई हमने जैकपॉट विनिंग हासिल की, यहां पर आप देख सकते हो शोएब खान, ठीक है, जो VC था हमारा, हाँ सभी की टीम में था भाई, सभी की टीम में था, मैं ये नहीं बोल रहा ये हमारे डिफरेंशियल पिक था, नहीं था भाई VC था, बट हमारा एक तरफा विनिंग हमारा अगेन करवा गया, ठीक है। और इसीलिए भाई बोलता हूँ कि देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो आपके लिए बनता, क्योंकि जो 90% मतलब मैचेज की फाइनल टीम है ना, वो भाई आपको टेलीग्राम चैनल पर थोड़ी सी चेंज होकर मिलती है, बाकी 10% की हो जाता है कि सेम ही रह जाती है, लेकिन भाई बाकी 90% की टीम हमेशा जो टीम में वीडियो में देता हूँ उससे थोड़ी
बहुत चेंज होती है, और भाई वो थोड़ा बहुत चेंजमेंट ही आपको विनिंग की रास्ते पर ले जाता है। ठीक है, अब चलिए भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले बैटिंग की। ठीक है, तो नामीबिया की बैटिंग की बात करेंगे तो यहाँ से भाई जो ऐसे वार्ड आप देख सकते हो, 0 रन बनाए क्रेग विलियम्स ने, 7 रन बनाए मिशेल वान लिंगन, की बात करें तो 13 रन बनाए। इसके अलावा भाई बात करें लॉफ्टी एवर्टन की तो आप देख सकते हो 73 रन बनाए, इरास्मस ने 76 रन बनाए, जेजे स्मिथ ने 44 रन बनाए, डेविड विजी ने भाई यहाँ पर रन बनाए 40। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ से ट्रंपलानी की तो भाई 7 रन इन्होंने बनाए, और इसके अलावा भाई किसी ने कुछ बैटिंग में किया नहीं। अब भाई बात कर लेते हैं इनकी बॉलिंग की, तो बॉलिंग में भाई आप यहाँ पर देख सकते हो जो आर ट्रंपलानी, इन्होंने भाई 8 ओवर डाले, विकेट लेस गए, डेविड विजी विकेट लेस गया, इसके अलावा जेम्स फ्रैंकलिन यहाँ पर विकेट लेस गए, जेजे स्मिथ विकेट लेस गए, और यहाँ से भाई बात करें तो बर्नार्ड स्कॉटलेट 9 ओवर में 2 विकेट निकाले, और यहाँ से पिकिया फेरेंस ने 2 ओवर डाले विकेट लेस गए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो इस मैच में इनके जो मेन बॉलर है ना, जो इनके विकेट टेकिंग गेंदबाज है, वो भाई यहाँ पर बिल्कुल फ्लोप रहे। इनके पास 4 ऐसे गेंदबाज है जो हर हाल में यहाँ पर परफॉर्मेंस देते हैं, 4 में से कोई तो परफॉर्मेंस जरूर देता है। ठीक है, यहाँ से देखो जो राहुल रूबेल ट्रंपलन है, इसके अलावा डेविड विजे, जॉन फ्रैंकलिन और जेजे स्मिथ, ये 4 ऐसे गेंदबाज है जो ऑलमोस्ट अपने ओवर कंप्लीट करते दिखेंगे, और भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ ये जरूर करके जाते हैं। ठीक है, और इस मैच में भाई ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए, और यही रीज़न रहा कि भाई इनकी टीम यहाँ पर हार गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अब भाई आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये चारों के चारों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से भाई आप बात करें अगर इनकी बैटिंग की, तो बैटिंग में भाई आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो एक मिनट भाई यहाँ से, हाँ यहाँ से भाई बैटिंग में आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखिए भाई यहाँ से इरास्मस है ना, ये भाई बहुत नीचे बैटिंग कर रहा है। ठीक है, और इसीलिए भाई मैं क्रेग विलियम्स को प्रीफर करूँगा, तो क्रेग विलियम्स के साथ हम जाएंगे। हालांकि इरास्मस अच्छा प्लेयर है, लेकिन भाई अगर टॉप ऑर्डर में खेलेगा तो ही मैं इसको ट्राई करूँगा, यानी कि नंबर तीन पर खेलेगा तब तक मैं ट्राई कर सकता हूँ, नंबर 4 पर खेलेगा तो भी देखेंगे, लेकिन यार नंबर 5 और नंबर 6 पर तो भाई बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें इनके क्रेग विलियम्स के अलावा, तो भाई आपके लिए मिचेल वान लिंगर भाई ठीक ठाक प्लेयर रहेंगे, लास्ट मैच में भाई इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिए थे। लॉफ्टी एटन को आप ट्राई कर सकते हो जीएल मिनी जीएल में, इसके अलावा यहाँ से जेजे स्मिथ, डेविड विजा, ट्रंपलन, जे फ्रैंकलिन तो आपके लिए रहेंगे, और इरास्मस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऊपर खेलेगा तो हम ट्राई करने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन भाई मैं आपको याद दिला दूँ, देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अभी के अभी जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो फाइनल टीम है ना वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो भाई अगर लिंक से ज्वाइन हो जाए तो सबसे अच्छा है। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका लिंक से ही ज्वाइन करना, तो लिंक पर ही क्लिक करके ट्राई कीजिए। अगर बाय चांस लिंक वर्क ना करे तो आप यहां पर देख सकते हो, आप केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर आकर, और भाई यहां पर आप देख सकते हो 5.4K की जो फैमिली जिसकी कंप्लीट है ना, वही हमारा चैनल है, तो इसी चैनल पर आपको ज्वाइन होना है, तो आ जाइए भाई टेलीग्राम चैनल पर। अब भाई बात करते हैं डेमो टीम की। ठीक है, तो डेमो टीम मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूं, बाकी फाइनल टीम अगेन मैं आपको याद दिला दूं टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिलने वाली है। तो चलिए भाई अब यहाँ पर मैं आपको डेमो टीम बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से अगर बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो भाई वृत्ता अरविंद 100% हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा भाई देखो अगर जैन ग्रीन खेलता है तो हम ट्राई करेंगे, अदरवाइज भाई मैं ट्राई नहीं करने वाला, और जैन इकोल को मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा। वही अगर बात करें ऐसे देखो एस बार्ड को आप जीएल मिनी जीएल में जरूर ट्राई करना, वसीम मोहम्मद को भी आप ट्राई कर सकते हो, चिराग सूरी को मैं अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, वहीं अगर बात करें यहाँ पर एक मिनट भाई, वहीं अगर बात करें भाई चिराग सूरी के अलावा सी विलियम्स को मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर देखो इरास्मस को मैं ट्राई करूँगा, लेकिन कब ट्राई करूँगा जब भाई ये थोड़ा ऊपर खेलेगा, अदरवाइज नहीं करने वाला। ठीक है, इसके अलावा भाई यहाँ पर चंद्रपाल रिजवान की बात करें तो भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है, इस मैच में आपके लिए कुछ बड़ा करके जा सकता है, तो ज़रूर से आप इसे ट्राई कर सकते हो। टॉप ऑर्डर में भी खेलता है तो आपके लिए एक अगेन अच्छी चॉइस यहाँ से रहेगा। ऑलराउंडर सेक्शन में भाई बिल्कुल सेम आपके लिए चॉइस रहेंगे, 4 ऑलराउंडर आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे, आर मुस्तफ़ा, डी विजय, जे स्मिथ, बासिल हमीद। ठीक है, इन चारों को आपको ट्राई करने, चारों के चारों आपके लिए आपकी टीम में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब यहां पर अगर बात करें बॉलिंग की, तो यहां पर भाई देखो जो जाहूर खान है वो आपकी टीम में होना चाहिए लगातार। भाई देखो लास्ट के 4-5 मैचेस में परफॉर्मेंस देखो, जब से इसने खेला है ना यहां पर आप देखो परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जाहूर खान मस्ट पिक प्लेयर रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर भाई आप ए राजा को ट्राई कर सकते हो, ये भी आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर है, यहाँ से रहने वाला है। अगर वही बात करें ए राजा के अलावा, तो नीचे भाई आसिफ दाऊद को ट्राई कर सकते हो, या फिर भाई आप ऐसे देखो जे फ्रेलिंग को ट्राई कर लो, और भाई आर ट्रंपलान को ट्राई कर लो। आर ट्रंपलान की जगह पर भाई आप किसी पर भी रिस्क ले सकते हो,
जे सिद्दीकी को ट्राई कर सकते हो, ये राजा को। अभी के लिए भाई मैं ये राजा के साथ जा रहा हूँ, बाकी फाइनल टीम में क्या पता कुछ चेंजमेंट आपको होता हुआ दिख जाए। तो फाइनल टीम की सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इसी वीसी की बात करें तो कैप्टन भाई यहाँ से मेरा रहेगा डेविड विजी, और वीसी रहेगा भाई या तो बासिल हमीद या फिर भाई जे स्मिट। अभी के लिए मैं जे स्मिट को दे रहा हूँ, बाकी फाइनल टीम में हो सकता भाई मैं आपको बासिल हमीद के साथ जाता दिख जाऊँ। तो फाइनल टीम के लिए भाई टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे मैच टाइम पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।